हाय फ्रेंड्स कल दिवाली है और आ, मैंने अपने घर का जो डेकोरेशन है जो भी मुझे करना था मैंने कर लिया है सारी अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट डन है बस खाने की तैयारी करनी है जिसमें मैंने सोचा है कि आज रात को ही मैं दही बड़े और मूंग दाल की बर्फी बना के रख दूँगी बिकॉज़ तो दोनों बनाने में टाइम लगता है और आ, यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टपोरो बिकॉज़ दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं इसमें कोई भी कभी नहीं रखना चाहती हूँ मैं यहाँ पे सारे ड्रेसेस अरेंज करके रखती हूँ हमारा ड्रेस कोड है येलो और बस ये जो चॉइस सेटअप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरी बेटियों के लिए है उनका दिवाली गिफ्ट प्लस चिल्ड्रंस डे गिफ्ट ये हमारे दही भले का दही बड़े का बैटर है इसे हम डायरेक्ट तल के दही में डालेंगे ये मिल्क मेड है जो मैंने खीर और मूंग दाल हलवे के लिए या मूंग दाल बर्फ़ी जो कह लीजिए उसके लिए मंगवाया है तो इसे जब ज़रूरत होगी तो हम निकालेंगे फिलहाल इसे फ्रिज में रख देते हैं तो ये यहाँ पे मैंने दही ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था जिसमें हमें दही बड़े को डिप करना है बड़े को डिप करना है या मैं यूज़ कर रही हूँ जीरा पाउडर जो मैंने खुद अभी बनाया है भून कर जीरे को जस्ट मैंने उसे पीस लिया है ये जो जीरे का जो भुना हुआ जो जीरे का जो टेस्ट होता है होम जो आप बनाओगे ना उसका टेस्ट ही अलग होता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलना हो मिलता हुआ जीरा पाउडर वो आप इमरजेंसी पर्वस के लिए यूज़ कर सकते हो बट अगर आप किसी खास दिन के लिए कुछ खास रेसिपी बना रहे हो तो प्रेफर करो आप घर में कुछ मसाले तैयार कर लो उसका टेस्ट अलग होता है तो बस अब यहाँ पे दही बड़े के लिए बड़े तल लूँगी और उसे डाल दूँगी डायरेक्ट दही में वैसे बहुत सारे लोग इसे पानी में डिप करने के बाद दही में डिप करते हैं बट मैं प्रेफर करती हूँ डायरेक्ट दही में डा डालना ताकि जो दही बड़े का जो टेस्ट है वो पूरा दही बड़े का टेस्ट आए उसमें दही जो है वो सोक अच्छे से कर जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है आपको भी ट्राई करना वैसे पानी में डालने के बाद मुझे थोड़ा सा उसका स्वाद जो है वो फीका लगता है इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट दही में डालती हूँ आपको अभी जरूर ट्राई करना इस तरह से ये बहुत टेस्टी लगता है वैसे आप शेयर करना कि आप कैसे बनाते हो तो बस दही बड़ा हो गया है रेडी अब बनेगा मूँग दाल बर्फी तो यहाँ मूँग दाल मैंने ऑलरेडी धोकर सुखा लिया है तो बस इसे कर लेंगे हम फ्राई इसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है फ्रेंड आपको जितना आ, मतलब आप इसमें घी यूज़ करो उतना कम है बट आ, फिर भी मैं ट्राई कर कर रही हूँ कि उतना ज़्यादा फैटी या रिच ना बने थोड़ा कम में काम चलाऊँ तो बस यहाँ पे मैं इलायची डालती हूँ और अब मैं डालूँगी मूँग दाल जो धोकर हमने रखा था और इसे कर लूँगी फ्राई और इसे थोड़ा रोस्ट करूँगी जब तक उसमें से एक अच्छा सा भिनी भिनी जो खुशबू होती है ना बूँग दाल की वो उठ ना जाए जब तक इसे चलाते चलाते ना मेरा हाथ दुख गया है रियली बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें बहुत हिम्मत वाली बात है कि मैंने इतने काम के बीच मैंने ये चलो इसमें बीच में देख लेते हैं दही बड़ा हमारा अच्छे से डिप हुआ है या नहीं दही में चलो देखो ये कितना अच्छा स्पंजी हो गया है और बहुत ही यह भी लग रहा है चलो अब ये रोस्ट हो चुका है हमारा मूंग दाल इसे बना लिया मैंने पाउडर और पाउडर इसको बहुत ज्यादा महीन बारीक नहीं करना है इसे थोड़ा खुरदुरा रखना है क्योंकि तभी बर्फ़ी का टेस्ट या हलवे का टेस्ट उभर कर आता है ये ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसे मुझे और भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी भुनने के लिए तो अब मैं फिर से इसमें घी डालूंगी मैंने आपको पहले ही बताया है इसमें घी बहुत भर भर के लगता है इसके बाद भी घी पड़ेगा और भी ज़्यादा लगेगा तब तक इसमें फिर से हम अपने जो मतलब मूंग दाल का पाउडर बनाया है उसे अच्छे से फिर से रोस्ट करेंगे बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये बर्फी या हलवा जो भी आप कहें और अब तो हलवे का टाइम भी आ गया है गर्मा गर्म मूँग दाल हलवा गर्मा का गाजर का हलवा ये सब खाया करो अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं वैसे आपकी तरफ सर्दियाँ स्टार्ट हुई या नहीं यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी ताकि ये जब मैं रोस्ट कर रही हूँ मेरा हलवा उसी टाइम ये भी रोस्ट हो जाए और ज़्यादा पड़ गया है इसलिए मैं थोड़ा तो सा तो निकाल लूँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा था ताकि उसके ऊपर भी गार्निशिंग में काम आ जाए तो यहाँ ऑलमोस्ट हो गया है बट अभी और भी ज़्यादा होगा मैं धीरे धीरे कर रही हूँ फाइनली डन एंड इसे मैं अच्छे से बर्फ़ी की शेप में बना रहा है तो इसे अच्छे से एक प्लेट में लेकर फैला लूँगी और इसे इक्वली इवनली चारों तरफ स्प्रेड करके बर्फ़ी के शेप को देकर इसे काटूँगी और तब इसे करोगी गार्डिश बहुत अच्छा स्मेल उठ रहा है फ्रेंड्स रियली आपको ट्राई करना चाहिए ये हलवा यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स पे ये दिया है मैंने भी वहीं से देखा है तो आप देख सकते हो मुझे याद नहीं मैंने किसके चैनल पे देखा था मैंने बहुत पहले देखा था बट मैंने पहली बार उधर से ही बनाया था और अभी भी मतलब उसी मेथड से बना रही हूँ मुझे अच्छा लगा उनका बताया मेथड मुझे रियली याद नहीं है आई थिंक कविताज किचन समथिंग लाइक दैट यू कैन चेक आउट यूट्यूब में भरे पड़े हैं रेसिपीज बहुत ही अच्छे और बहुत ही ये गरम है है बहुत ज़्यादा और मेरा हाथ भी जल रहा इसलिए बस इसे किसी तरह मैं कर दी देखिए कितना चिकना था इतनी घी लगी है कि इसमें कुछ भी एक ड्रॉप कुछ नहीं लगा ये चिकना सा हो गया है और ये रहा हमारा बर्फी तैयार इसे हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली टू यू ऑल हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हैप्पी दिवाली टू यू ऑल आज है दिवाली बहुत ज़्यादा कल हो रही है हमारे यहाँ आज है क्या फ़र्क पड़ता है आप तीन दिन मना लेंगे वैसे भी दिवाली सबको पसंद आती है राइट अभी आज मैं लेट से उठी हूँ बिकॉज़ कल मैं लेट से सोई थी तो मैं इलेवन थर्टी या इलेवन फोर्टी को उठी देखो ये ऑलरेडी ऐसे लग चुका है फ्लावर आपके पास अच्छा आपके यहाँ ये लगता है यानी ये बताना बनाना ट्री जो लगाते हैं हम लोग अपने घरों के दरवाजे पर मेन गेट पर मुझे बनानी है रंगोली उसके बाद खाने के रात के डिनर का प्रिपरेशन करना है बहुत कुछ बनने वाला है बने रहो मेरे चैनल पे एंड तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो ये हमारा ब्रेकफास्ट इडली डोसा खाने वाले है हम ब्रेकफास्ट में जल्दी से है, मैं अपना रूम ठीक कर लूँ सब कुछ अभी सोकर उठे हैं और बस चादर भी मैंने ठीक नहीं किया है इसके बाद बहुत सारा काम है वो माई गॉड आज कैसे काम ख़त्म होगा का, दिन छोटा है और काम बहुत ही ज़्यादा उफ चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगी नहाने एंड खीर बनाना है कड़ी बनाना है वैसे आप क्या दिवाली में क्या बनता है ज़रूर बताना चलो अब हम खीर की प्रिपरेशन करते हैं दूध उबलने के रख दी थी मैंने दूध उबल गई है अब इसमें चावल डाल रही हूँ मैंने बहुत शॉर्ट क्लिप्स लिया है फ्रेंड्स बिकॉज मैं आपको बोर नहीं करना चाहती और अदरवाइज बहुत लंबा व्लॉग हो जाता खीर तो सभी को बनाने आता है इसमें मैं मिल्क मेड एड कर रही हूँ मैं इसमें खोआ भी ऐड करती बट एक्चुअली uh, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था वो लाना भूल गए तो बस मैं आज मिल्क मेड से ही काम चला लूँगी इसे जल्दी जल्दी कर लें बस खीर मेरी रेडी है और मैं साइड से घी लेकर ड्राई फ्रूट्स डाल के अपने खीर को तड़का लगाऊंगी इससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है डन दा, दिख रहा है ना ये भी चलो आगे बहुत सारा काम है और मेरे चैनल पे बने रहना ये ये पार्ट अगेन टू बी कंटिन्यूड रहा तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी